दोनों दोनों मैचेस में पाकिस्तान ने सेकंड टाइम बैटिंग की है, तभी ये रन चेज नहीं कर पाए। तो फर्स्ट टाइम बैटिंग करें ताकि बड़ा एक स्कोर बनाए और अपनी बॉलिंग को थोड़ा निखार रहे हैं, जो हमें हमारा बॉलर ही बोल। सलाम नमस्ते, सत श्री अकाल, मैं हूं सिद्रा, रेवोल्यूशन टीवी के साथ बात करेंगे। पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड 30-20 का मैच देखने को मिलेगा, क्या एक्सपेक्ट करें कि पाकिस्तानी टीम कल कुछ कारनामा सर अंजाम देगी या नहीं विदाउट आमिर जमाल? तो चलिए आइए पाकिस्तानी आवाम से इस चीज की राय लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है? मैं बिल्कुल ठीक सर। पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड क्या एक्सपेक्ट है, तीसरा मैच पाकिस्तान जीतेगा या कह लें कि वो भी आज पिछली बार 41 रन 21 रन, इस बार क्या 12 रन से जीतवाने वाले हैं? पाकिस्तान तो देखें, जहाँ पे बात होती है वहाँ पे वाइट वॉश की बात होगी, ठीक है, सीधी बात है। पाकिस्तान का जीतने का कहीं पे मुझे आसार तो नजर नहीं आ रहा, लेकिन अगर लास्ट परफॉर्मेंस में अगर बात करें, जैसे फखर जमान चले, जैसे स्ट्राइक रेट लेके चले, और बाबर आजम ने देखें, हम जो जिस चीज का इंतजार कर रहे थे, हम ही नहीं इंडिया वाले भी, बाबर आजम की परफॉर्मेंस में, तो कल जैसे वो लास्ट सेकंड T20 में चले, तो सफा हो सकता है कि कोई बड़ा एक स्कोर बना के जाए। और पाकिस्तान अगर पहले बैटिंग करे, मैं तो यही कहूंगा कि अब पाकिस्तान पहले बैटिंग करे। दोनों मैचेस में पाकिस्तान ने सेकंड टाइम बैटिंग की है, तभी ये रन चेज नहीं कर पाए। तो फर्स्ट टाइम बैटिंग करें ताकि बड़ा एक स्कोर बनाए और अपनी बॉलिंग को थोड़ा निखारे, जो हमें हमारा बॉलर ही कैप्टन हमारा बॉलर है और हमारी बॉलिंग ही नहीं चल रही, तो हमारा ये कैप्टन किस खाते का, जो अपनी बॉलिंग लाना भी नहीं सही कर रहा और अपने बॉलर को लेके नहीं आ रहा। बिल्कुल आपकी बात सही है। साथ में अगर देखा जाए तो एक बड़ा ऐसे था हमारे पास आमिर जमाल, जो कि ऑलराउंडर थे, उनको निकाल दिया। किस किस्म के डिसीजन लेती है हमारी टीम? हमारी टीम ना कह लें कि जो अच्छा प्लेयर होता है ना, उसकी कदर नहीं करते, उसको बिठा देते हैं। जैसे हमारा असर शफीक था, मोहम्मद आमिर था हमारा, यार ठीक है, वो मैच फिक्सिंग की जो भी किया उसने माना, उसने आगे कहा जी मैंने की है, ठीक है, या उसने माना ना होता वो गलत होता तब बात समझ में आती, उसने मान लिया यार, अब उसको थोड़ा चांस तो दो। आपने बड़े बड़े एसेट को अपने बिठा के जाया करवाया, असर शफीक को आपने बिठा के जाया करवा दिया, आपने कहा जी टेस्ट मैच का प्लेयर है। यार इतना अच्छा एक्सप्लेन हम अपने बॉलर्स को नहीं करते हैं जितना अच्छा एक्सप्लेन दूसरी टीम के जो बैट्समैन है वो करते हैं। रिसेंटली मैंने ब्रेटली का इंटरव्यू सुना, क्या उन्होंने एक्सप्लेन किया शुएब अख्तर को? ब्रेटली की बात कर रही है, इस टाइम वहाँ के गिलक्रिस्ट हैं जो ऑस्ट्रेलियन कैप्टन भी रह चुके हैं, ओपनर भी रह चुके हैं, कीपर थे वो, तो उनका बयान आया कि जी मैंने अपनी जिंदगी में इससे वर्स्ट टीम मैंने आज तक नहीं देखी, मैं अपने ग्राउंड में, उनका ये बयान है। जहाँ पर पाकिस्तानी टीम की एक जमाने में तारीफें होती थी, आज उन्हीं ग्राउंड्स के अंदर पाकिस्तानी टीम इंसल्टेड फील कर रही है, बल्कि उसकी इंसल्ट हो रही है, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ रहा। उनका कि बेस्ट टैलेंट बिठा दिया जाए और गार्बेज उठा के खिलाई जाए। बिल्कुल ऐसी ही बात है, क्योंकि पहले पाकिस्तान जब शोएब अख्तर हमारे हुआ करते थे, मिसबाह लोग हुआ करते थे, यूनस खान होते थे, हमारी एक बैटिंग लाइनअप हुआ करती थी, एक रिदम होता था। आसिफ को दे कॉल मैजिशियन, जादूगर है वो बॉल, उसको मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान ने आज तक ऐसा बॉलर नहीं पैदा किया, वो ऐसा बॉलर है, आपने उससे कोचिंग नहीं ली। बिल्कुल, आपने बुलाए बायर से, आपके पास बड़े बैट्समैन नहीं पड़े हुए, आप कहते नहीं पड़े हुए तो हम मान लें, तभी आप बायर से इंपोर्टेड माल मंगवा रहे हैं, आपके पास अपना मोहम्मद यूसुफ पड़ा हुआ है, आप उससे कोचिंग लें, क्या आप उसको बैट्समैन नहीं समझते? अगर बैट्समैन नहीं समझते तो अपने दौर में आपने उसको खिलाया क्यों टीम में? आप उसको लेके आए, अपनी कोचिंग करवाए, मोहम्मद उमर गुल्ला हमारे पास बॉलर है, उनसे आप कोचिंग लें, मोहम्मद आसिफ है, मोहम्मद आमिर से आपने नहीं उनको खिलाना, उसको आप कोच ही रख लें, अब लेके तो आए, उसे यूटिलाइज तो करें, आप नहीं कर सकते, अगर आप करेंगे तो आपके जो खाते हैं वो खुल जाने। थैंक यू सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है सर आपका? अल्हम्दुलिल्लाह सर। पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड कल तीसरा मैच है, 5 मैचेस हैं टोटली, लेकिन पाकिस्तानी आवाम तो हमारे जो प्लेयर्स हैं वो टोटली रेस्ट पे है। जी ऐसे ही है, देखिए पहले दो मैच काफी अच्छी टीम थी हमारी, तो बड़ा क्लोज जाके आ रहे हैं, लेकिन अब के मैच की बात करें जो मेन बॉलर थे हमने वो निकाल दिए, हालांकि हम सिर्फ बॉलिंग लाइन में मार खा रहे थे। आमिर जमाल बड़ा अच्छा खेल रहा था और अभी तो खेलना शुरू हुआ था, तो उसको रेस्ट भी दे दी गई है, अब आसिफ अफरीदी को रेस्ट दे दी गई है, मोहम्मद नवाज को वापस लेके आया गया, जिसने पहले हमें दो ट्रॉफी हराई है उसी के एक बंदे ने, तो उसको वापस लेके आ गया। टीम कॉम्बिनेशन अब बड़ा अजीब सा बन चुका हुआ है, आजम खान को निकाल नहीं रहे जिसको निकालने की जरूरत है। जी थैले को बिल्कुल आप सही पहुंची है, और साथ मोहम्मद हारिस को नहीं खिला रहे जिसको खिलाना चाहिए, तो अब तो पक्का है हारेंगे। बिल्कुल डेफिनेटली सी बात है कि पहले हम सोचे थे कि बॉलिंग लाइन कमजोर है, जो टीम है वो काफी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन जिस तरह से सेटिंग की गई है टीम के अंदर, आमिर जमाल को हटा दिया भाई, ऑस्ट्रेलिया की चीज के खिलाफ उनकी परफॉर्मेंस देखे काफी कमाल किया, मौका देंगे तो वो आगे खेलेगा। आमिर जमाल को हटाना बिल्कुल बेवकूफी है, देखें वो बंदा इतने अंडर प्रेशर मैच में चल गया, ऑस्ट्रेलिया जैसी पिचेस के ऊपर जहाँ पे बैटिंग करना बहुत मुश्किल होता है, वो भी ऑस्ट्रेलिया की टीम के आगे जहाँ मिचेल स्टार्क खेल रहा हो, पैट कमिंस खेल रहा हो, उनके आगे वो बंदा
फेयरलेस होके खेल गया, तो आपने इधर उसको बिठा दिया, रेस्ट दे दिया, समझ से बाहर है शहनशाह अफरीदी करना क्या चाह रहे हैं। असल में उस बंदे का भी नहीं कसूर, उसको कैप्टन बना दिया गया धक्के से, तो अब उसको समझ नहीं आ रही मैं करूं आगे कुआ पीछे खाई वाला हिसाब है, समझ नहीं आ रही क्या करना और क्या नहीं करना। मतलब पहले कह लें कि हमने 200 प्लस टारगेट करने दिया न्यूजीलैंड को, फिर खुद हम 180 पर ठप हो गए, फिर सेकंड मैच में भी देखा जाए तो हम 21 रन से हार गए। अगले मैच में क्या होने वाला है कि डायरेक्ट 180 या 160 पे हम लोग आउट होने वाले हैं? अगले मैच में देखे अगर तो पहले बैटिंग आ जाती है पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान होपफुली बाउंड्रीज भी स्मॉल स्मॉल सी है, इसके बावजूद पाकिस्तानी टीम अच्छा नहीं खेल पा रही। पाकिस्तानी टीम जो 180 करके गई है, बैटिंग लाइन हमारी फिर भी ठीक है, चल जाती है, पहले मैच में साइम चल गया था, लेकिन अब बात कही जाए ना, पाकिस्तान में पहले खेलने आता है ना तो 150 टू 170 तक जाएगा, जो न्यूजीलैंड वाले इजीली कर जाएंगे। जैसे इंडिया ने किया था 10-15 ओवर में, वैसे न्यूजीलैंड कर जाएगी। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर आपका? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक सर। बात करेंगे पाकिस्तान वर्सेज न्यूजीलैंड, कल तीसरा मैच है टी20 सीरीज का, क्या एक्सपेक्ट करेगा पाकिस्तान? कल तो खुदा नखास्ता मैच जीत जाएगा या नहीं? नहीं, खुदा नखास्ता नहीं, बल्कि इंशाल्लाह पूरी उम्मीद के साथ वो पाकिस्तान ही जीतेगा। जैसे पहले दो टी20 में उन्होंने अच्छा मुकाबला किया न्यूजीलैंड को होम ग्राउंड पे, जो है ना उनको टफ टाइम दिया, लेकिन बदकिस्मती से जो है ना मैच अपने नाम नहीं कर सका, तो इंशाल्लाह तीसरे मैच में पाकिस्तान इंशाल्लाह कमबैक जरूर करेगा। इंशाल्लाह पाकिस्तान कमबैक करेगा, लेकिन अगर देखा जाए तो टीम में काफी रद्दबदल की गई है, नजर भी आ रहा है हम लोगों को, और जिसको निकाला गया है वो आई थिंक सो कह लें कि टीम का एक अच्छा खासा असासा था। तो ये तो रद्दबदल तो होगी ना, दो मैचों के बाद उन्होंने परफॉर्म नहीं किया, जैसे आजम खान हो गया, जैसे दो मैचों के बाद परफॉर्म नहीं किया, उसे निकाल दो टीम से, तो विराट कोहली ने दो साल तक परफॉर्म नहीं किया था, उसको तो टीम में रखा था, तो इसी तरह हमने भी तो मतलब बाबर आजम को रखा है ना, तो बाबर आजम को भी तो रखा था कुछ अर्से था, ये चीज मैटर नहीं करती। अब यहाँ पे जो है ना, अब मैच हो रहा है, एक सीरीज है, एक बंदा है आजम खान का क्या रिकॉर्ड है, 2 की एवरेज सारी थी उसकी टी20 में 8 मैचों में, तो ऐसे बंदे को निकालेंगे नहीं, फिर ऐसे बंदे को और क्या करेंगे। तो इसके बाद जो है ना फखर जमान है, बाबर आजम है, ये दोनों फॉर्म में आ गए हैं, ये बहुत बड़ी बात है। इंशाल्लाह पाकिस्तान अगले मैच में न्यूजीलैंड को टफ टाइम देगा इंशाल्लाह। पाकिस्तान जिस तरह से चल रहा है, लोग एक्सपेक्ट यही कर रहे हैं कि मे भी जो पाकिस्तान है वो या तो कह लें कि एक क्लीन स्वीप होता हुआ नजर आ रहा है, या व्हाइट वॉश होने के करीब करीब है, सीरीज में से एक जीतने बड़ी बात है। नहीं नहीं, इंशाल्लाह पाकिस्तान टीम को ऐसे कहने वालों को शर्म आनी चाहिए, पाकिस्तान अच्छी टीम है, तगड़ी टीम है, अपनी टीम का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, बल्कि उनको हौसला देना चाहिए। तो पाकिस्तान ने पहले दोनों टी20 में अच्छा खेला है, फखर जमान ने अच्छा खेला है, बाबर आजम ने अच्छा खेला है, उसके बाद जो है ना सिर्फ बॉलर्स को भी मायूस कर देते हैं, लेकिन ये टी20 होता है ना, एक ही ओवर मैच का 5 पलट देती है, तो लेकिन इस तरह नहीं कहना चाहिए, इंशाल्लाह वो अच्छे कमबैक करेगी। पाकिस्तान टी20 में है भी अच्छा प्लेयर टीम, और चेजिंग भी कर सकती है, उसके बाद जो है ना डिफेंड भी कर सकती है टी20 में पाकिस्तान। थैंक यू सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर? मैं ठीक सर। पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड कल तीसरा मैच है, 5 मैचेस हैं टोटल, लेकिन पाकिस्तान अभी तक परफॉर्म नहीं कर पाया, आमिर जमाल को भी टीम से निकाल दिया, आखिर पाकिस्तानी टीम कर क्या रही है? थैले को निकाल नहीं रहे, ऊपर से भयात प्लेयर्स नजर आ रहे हैं टीम के अंदर। नहीं देखिये, टीम के अंदर प्लेयर्स नो डाउट बहुत अच्छे हैं, फखर जमान, सलाइम अयूब, उसके बाद बाबर आजम, रिजवान, इफ्तिखार अहमद, यहाँ तक प्लेयर्स की बात करें तो नो डाउट बहुत बड़े प्लेयर्स हैं। प्लेयर से जीत जाता बंदा। मैंने ये भी नहीं कहा कि चार लगा शायद, अब ये कहना चाहिए। हाँ, बाकी कुछ हमारे बॉलिंग ऑर्डर की बात की है तो बॉलिंग ऑर्डर थोड़ा वीक हुआ, उसके बाद अगर हाँ आजम खान की एक बात की जाए तो आजम खान का मेरे भी ख्याल के इस टाइम टीम में खेलना बनता है, क्योंकि टीम के अंदर आगे कोई प्लेयर फिट नहीं नजर आ रहा है, कोई फिंगर इंजरी है किसी का, शोल्डर इंजरी है किसी का, बैकबोन इंजरी है लाइक, उसके बाद फिर आजम खान विदाउट इंजरी, एक इंजरी है ठीक है, तो उसको यानी कि हेल्थ इशू है ना, तो उसके बाद मेरा नहीं ख्याल कि आजम खान का इस टाइम खेलना बनता, क्योंकि यहाँ पे टीम को एक फिट स्पिनर बॉलर की भी जरूरत है, साथ जो ऑलराउंडर खेलता हो लाइक शदाब खान हो गया, उसके अलावा मोहम्मद नवाज, हमारे पास जो एक सो कॉल्ड स्पिन ऑर्डर नजर आ रहा है हमारे पास, अगर सलमान अच्छा बॉल कर लेता उसको खिला ले, वो भी ज्यादा बेहतर है मेरे ख्याल में आजम खान से। बिल्कुल आपकी बात सही है, लेकिन पाकिस्तानी टीम जहां पर बैटिंग थोड़ी सी मजबूत होती है वहीं पर बॉलिंग वीक नजर आती है हम लोगों को। अगर आमिर जमाल की बात कह रहे हैं कि बिग लॉस नजर आ रहा है पाकिस्तानी टीम को, बिकॉज ही इज अ गुड प्लेयर, अच्छा खेलते हैं, ऑलराउंडर है आपके पास। देखिए आपने कहा कि बॉलिंग ऑर्डर थोड़ा वीक नजर आ रहा है, देखिए अगर मैं अगर सिंपल बात करूँ ना कि बैटिंग ऑर्डर हमारा मजबूत हो तो बॉलिंग ऑर्डर वीक हो जाता है, बॉलिंग ऑर्डर मजबूत हो तो बैटिंग ऑर्डर हमारा वीक हो जाता है, जिसकी वजह से हमें मुसलसल शिकस्त का सामना करना पड़ रहा है। हाँ, अगर पाकिस्तान की ओवरऑल टीम स्ट्रांग हो जाए तो मेरा नहीं ख्याल कि आपको या मुझे कोई बात पाकिस्तान के ऊपर बात करने का मौका मिलेगा, तो ये मेरा यही ख्याल है कि पाकिस्तानी टीम खुद चाहती है कि पाकिस्तानी पब्लिक जो है पाकिस्तान टीम के ऊपर सिर्फ तबसरा करते रहे, बात करते रहे, इसलिए कोई ना कोई वीक पॉइंट अपना भी में लेके चलते हैं। अब आमिर जमाल, अब्बास अफरीदी, शहनशाह अफरीदी, हारिस रऊफ,
ठीक है, ये चार फास्ट बॉलर है टीम में, और उसके बाद स्पिनर ऑर्डर की बात की है, तो मेरे ख्याल में सिर्फ उसामा मीर खेल रहे हैं। तो इसके देखिये अब किसी हद तक हमारा बॉलिंग साइड भी किसी हद तक अच्छे बॉलिंग है, यानी कि 8-7-8 विकेट निकालने वाला बॉलिंग ऑर्डर है। और बैटिंग ऑर्डर की बात कीजिए तो बैटिंग ऑर्डर भी हमारा इतना है कि T20 मैचेस में टारगेट को फाइट के साथ चेस कर ले। हाँ, अब पाकिस्तानी पब्लिक को कोई वीक पॉइंट मिल नहीं रहा, उन्होंने पाकिस्तान टीम ने आजम खान को खिला लिया, ये हमारा वीक पॉइंट है, इसके ऊपर पब्लिक बात करे। लाइक आजम खान का मेरा नहीं ख्याल टीम में इस टाइम खेला मत है, जहां पे बैट्समैन भी कुछ इंजर्ड है और बॉलर भी किसी हद तक इंजर्ड है, कोई फिंगर इंजर्ड है, कोई शोल्डर इंजरी है, कोई बैकबोन इंजरी है, तो यहाँ पे एक फिफ्थ प्लेयर का खोना बनता था, ना कि एक थैले का। थैंक यू सर, ये थी पाकिस्तानी वम की राय, आपकी क्या राय है आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, अल्लाह हाफिज।